आज ही मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर आया है कि हमें ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉय का चुनाव करना है। ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाला उसका तो कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। प्रमोद सतपुते कौन है? मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? हम लोग इंटरनल इंक्वायरी टीम से, एक आरटीआई फाइल हुआ है और इस आरटीआई के मुताबिक नारदा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को आपके ऑफिस से प्रमोद सतपुते ने अप्रूवल दिया। शारदा बिल्डर्स एक फ्रॉड कंपनी है। आपका कैबिन कहाँ है? मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया है? तो ये क्या है, किसके साइन है ये? आप ही क्या है ना ये? तो बताओ कितने पैसे लिए? इंक्वायरी बैठेगी आप पे। आप इंसान को अच्छी छवि बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसके बिगड़ने में, खराब होने में क्षण भर भी नहीं लगता। आरोप की एक हल्की सी छींट भी ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की नजरों में बेईमान बना देती है। इंसान बेईमान होता है अपने लालच में, सोचने समझने की शक्ति खो देता है, सही गलत का विवेक खो देता है और भ्रष्टाचार के ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जिसका अंत हमेशा दुखद ही होता है। बहरहाल यहां सवाल यह है कि प्रमोद पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या थी? वो प्रमोद जिसे कुछ ही समय पहले उसके बॉस ने दफ्तर का सबसे ईमानदार कर्मचारी घोषित किया था, वो एक ही पल बाद बेईमान कैसे हो गया? क्या ये उसके खिलाफ कोई साजिश थी या फिर उसकी ईमानदारी सिर्फ एक दिखावा थी? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के पक्ष में कोई दलील नहीं दी जा सकती। और याद रखिए, भ्रष्टाचार कब दफ्तर से निकलकर आपके निजी जीवन और घर में दाखिल हो जाए, आपके परिवार और प्रियजनों को भी संकट में डाल दे, ये कोई नहीं कह सकता। बेच क्यों नहीं देते स्कूटर को? अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा ये। फिर मैं तुम्हें राशन वाले के यहाँ छोड़ के ऑफिस चला जाऊंगा। और क्या, हमारी ये फटफटिया चलने तो नहीं वाली है? मैं जा रही हूँ ऑटो रिक्शा लेके। अरे यही पास में एक मैकेनिक है, अभी ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे मैकेनिक के पास, तुम ही जाओ और हो सके ना तो उसी के पास रह जाओ। अरे भाभी जी नमस्ते, कहाँ जाना है आपको? आइए मैं छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। सुबह सुबह कौन सी फाइल फंस गई? अरे ये प्रमोद सतपुते है क्या? हाँ क्यों? इसी प्रमोद सतपुते के पास मेरी फाइल फंसी हुई। प्रमोद सर के पास? फिर तो मुश्किल है, प्रमोद सर बहुत कड़क आदमी है। अरे रमाकांत, तू जानता नहीं मैंने अच्छे अच्छे कड़क को मुलायम कर दिया है। अरे इसे भी मुलायम कर दूंगा। अरे नमस्ते सतपुते साहब। नमस्ते नमस्ते जी। सर जी मेरी एक फाइल आपके पास पड़ी हुई, उसके कुछ पेपर्स बाकी थे देने, बस वही देने आया। किस नाम से? शारदा बिल्डर्स। पेपर कंप्लीट है? एक मिनट सर।
जी, आपको देने के लिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं। जाओ यहां से। लेकिन तुझे समझ क्या रखा है बिकाऊ? अरे सर, आप गलत समझ रहे हो। आप नहीं जानते, तुम पैसों के असली हकदार आप ही हो। अब मुझे मेरा हक समझने के लिए तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? अरे सर जी, आप समझ नहीं रहे हो। इसके बदले में आपको क्या करना है? आपको बस एक चिड़िया बैठानी है। आप साइन कर दीजिए, चिड़िया बैठ जाएगी। रमाकांत! अरे रमाकांत जी! सर, बाहर निकालो इन्हें, बाहर निकालो इन्हें। चलिए। देखिए सर जी, आपका नुकसान कर ले रहे हैं आप। चलिए। अरे राजा बाबू, मैंने आपको पहले ही कहा था कि साहब थोड़े अलग किस्म के हैं, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। इसे तो देख लूंगा मैं। अरे ऐसे कितने को ठिकाने लगाया मैंने। देख रमाकांत, हर इंसान बिकाऊ होता है, बस सही टाइम पे सही कीमत लगानी चाहिए। इसे मैंने रास्ते पे नहीं लाया ना, तो देख लेना। खेलेंगे। मैंने स्कूल में बहुत खेला, आपको मिस भी किया, अच्छी हैंडराइटिंग भी किया। मुझे मिस किया? हाँ, तो अब हम आपके साथ में आज तो फुटबॉल भी खेलने वाले हैं। वो कौन है? होगा कोई। अच्छा चलो आओ अंदर, आज आपके लिए खुशखबरी है। आपके लिए एक बढ़िया खबर है। क्या? आज ऑफिस में नए स्कूटर के लिए लोन अप्लाई किया, और सबसे बड़ी बात, वो लोन सैंक्शन भी हो गया। लोन भी लिया तो स्कूटर के लिए, यार कार के लिए लोन नहीं ले सकते थे तुम? चादर जितनी बड़ी हो, पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए। हाँ। और अगर पैर बड़े हो तो काट दे। जी प्रणाम। बोलिए। अरे ये क्या, भाभी तो माता समान होती है, और मैं तो बस माँ की सेवा में अर्पित करने के लिए कुछ लाया। और बड़े भैया पिता समान। बड़े भैया, आप छोटे भाई को आशीर्वाद नहीं दोगे कौन देगा? लीजिए भाभी जी। ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाला तो घर आ गया। अरे बेशर्म इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर आने की? हाँ निकल बाहर, अभी निकल रहा है, पुलिस को बुलाऊं। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। अभी जी, भैया इस वक्त बहुत गुस्से में है। कोई बात नहीं, बड़े भाई है, गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन भाभी जी, हो सकता है शायद आपको मेरी याद आ जाए, इसलिए मेरे इस नंबर पे कभी भी कॉल कर दीजिएगा। ऐसा है, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कभी, समझे? अब तू खुद से निकल रहा है या मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं? जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। लक्ष्मी माँ का अपमान मैं सह नहीं सकता। निकल बाहर। जा रहा हूं, जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं, जा रहा हूं।
लुटाओ और लुटाओ और लुटाओ। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। तो सो जाओ ना, खुली आंखों में सपना देख रही हो क्या? अच्छा मैं क्या सोच रही थी, अब उस आदमी के पास कितने सारे पैसे हैं ना, कैसे मिठाई के डब्बों में भर के लाया था वो। आज तो होंगे उसके पास तो। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही वो तो मैं। आइए आइए आइए, यहाँ पे लगा। अरे ये टीवी कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब दुकान से आया है और कहाँ से? शिल्पा शिल्पा इधर आ। फिर घर का सामान ईएमआई पे खरीदा? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ईएमआई पर इंटरेस्ट लगता है, और वैसे भी हमारे घर में नए स्मार्ट टीवी की जरूरत है ही कहाँ। किसने कहा जरूरत नहीं है? और मैंने ये टीवी ईएमआई पर नहीं खरीदा है तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो घर खर्च में से एक एक पैसा जोड़ के खरीदा है ये मैंने टीवी। सिर्फ पैसे कमाने से घर नहीं चलता है, घर मैनेज करने से घर चलता है। अरे वाह, हमारी बीवी तो बड़ी किफायती हो गई है। और नहीं तो क्या, तुम चाहे सर की कंजूस थोड़ी है। अरे 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 भाई, अरे भैया आराम से भाई आराम से, पुराना टीवी है तो क्या हुआ, ऐसे ही तोड़ दोगे क्या? ढंग से रखो इसको, चलो आओ। हाँ धीरे धीरे। भाभी जी हो सकता है शायद आपको मेरी याद आ जाए, इसलिए मेरे इस नंबर पे कभी भी कॉल कर दीजिएगा। आपने अपना वादा तो तुरंत पूरा कर दिया मेरे मुंह भोले देवर जी। अब देखिए मैं कैसे अपना काम पूरा करती हूँ। ना देखो ना, यशु के स्कूल वालों ने कितने सारे पेपर्स भेजे, तुम पढ़ लोगे? तो प्लीज तुम ये सब कर लो ना, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे इस पे तुम्हारी भी साइन चाहिए। ठीक है मैं साइन कर देता हूँ और तुम इसे पढ़ लेना। अब हाँ यहाँ पे ठीक है। जी सर। रमाकांत ये कुछ अप्रूव्ड फाइल्स है। ओके सर। तो ये इनको जाकर हेड क्लर्क की टेबल पर रख देना। ठीक है सर। ठीक है ठीक। सर आपको बड़े सामने याद किया है। अच्छा ठीक है। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। प्रणाम। कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। देखिए मैंने आपका एक काम तो पूरा कर दिया है, पता भी है कितना मुश्किल था ये काम, अगर पकड़ी जाती तो तुम्हारा काम कभी भी पूरा नहीं होता। अरे मैं समझता हूँ भाभी जी, अच्छी तरह से समझता हूँ, पर एक बात कहूँ, आप भी तो एक सहारा हो हमारे लिए। हा? बस आप इसी तरह से इस अनाड़ी इंसान की मदद करते जाइए, और बदले में आपको जो चाहिए उस इस नाचीज देवर को हुक्म कर दीजिए। क्यों नहीं। नहीं कार है? जी हाँ।
अभी एक हफ्ते पहले लिए। अब कितने की होगी? 10 लाख की है भाभी जी। वाह भाभी जी, बहुत बढ़िया, क्या ड्राइव कर रही हो, संभाल गया थोड़ा आहिस्ता। ओहो, अब ये कार तो पुरानी हो गई। नहीं, अब मैं आपको ये कार लेके जाने बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं, अब तो आपको आपके लिए एक नई कार लेनी होगी। कसम से भाभी जी, मान गए आपको। बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनी मेहनत और काबिलियत से ज्यादा पैसे चाहिए, और इसके लिए वो भ्रष्टाचार और बेईमानी का रास्ता अपनाने से भी नहीं झिझकते। शिल्पा ऐसे ही लोगों में से एक है। वो न सिर्फ अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रही है, बल्कि अपने ईमानदार पति के ओहदे का गलत फायदा उठाकर उसके नाम पर रिश्वत भी ले रही है। शिल्पा ने प्रमोद की आंखों में धूल झोंक कर उस पेपर पर साइन करवा लिया जिस पर प्रमोद को साइन नहीं करना था। प्रमोद की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने साइन करने से पहले ये नहीं देखा वो किस पेपर पर साइन कर रहा है, लेकिन उस बेचारे ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि उसकी पत्नी ही उसके भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर उसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करेगी। क्या लालच में कोई इतना गिर सकता है कि अपने पति के उसूल, उसकी मान मर्यादा को भी ताक पर रख दे? और शिल्पा ने यहां सिर्फ अपने पति को ही नहीं, समाज को भी धोखा दिया है। लालच और धोखेबाजी का गंदा खेल जब शुरू होता है तो इंसान अपने साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी भी खतरे में डाल देता है। यहां शिल्पा के व्यवहार और उसके मंसूबों से साफ है, वो एक ना एक दिन अपने परिवार को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। कार किसकी है? पापा मम्मी ने। अब गेस करो। पड़ोस के पाटिल साहब की। अरे वाह, उन्होंने कार ले ली। तुम ना कभी सपने में भी मत गेस करना कि तुम्हारी भी हो सकती है। क्या तुमने कार खरीद ली? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? अरे मूरत प्रसाद, सेकंड हैंड है ये। तो पैसे तो लगे होंगे ना, कहां से आए इतने पैसे? अरे डाका नहीं डाला है, मोहल्ले की औरतों के साथ कमिटी से जो पैसे बचाती हूँ उसके पैसे से खरीदी है। पूछना तो चाहिए, बताना तो चाहिए। अरे अब ये दरोगापंती बंद करो, अब इस कार से तुम ही ऑफिस जाने वाले हो, मैं नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं तो मेरे स्कूटर से जाऊंगा। चलो अम्मा, बोला मुझे कार से स्कूल लेके जाना। ओके बेटा। भाभी जी प्रणाम। नमस्कार। ये सब क्या है? अरे अरे चलो भाई, इसे अंदर रख दो। चलिए अंदर। भाभी जी, आज तो हम आपसे 5-स्टार होटल में मिलना चाहते थे, लेकिन फिर सोचा अपनी भाभी को होटल में बुलाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए सीधे 5-स्टार होटल से खाना आपके घर ले आए। क्या बात भाई, है भाई, बस आज तो हम अपनी भाभी के साथ बैठकर लंच करेंगे। भाभी जी बड़े स्वाद लेकर खाइएगा। वैसे क्या काम है? एक बड़े पूल का ठेका है, बहुत पैसा है इसमें। हाँ, देखो मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितना बड़ा ठेका है और कितना पैसा है, मेरा कितना बड़ा हिस्सा है ये बताइए। 25 लाख रुपया एडवांस। भाभी जी मैं जानता था आप एडवांस मांगोगी। इसलिए मैं साथ ही लेकर आया हूं। आप
और खास आपके लिए। सोने के कंगन है भाभी जी, इस बार अपनी फाइल सपना कंस्ट्रक्शन के नाम से, और आपको हमेशा की तरह प्रभोज सर से साइन करवाने। लेकिन आपका तो शारदा बिल्डर्स है ना। इस दो नंबर के धंधे में ना हर पल नाम बदलना पड़ता है। समझ गई। शिल्पा अच्छी लग रही। थैंक यू। इधर क्यों आ रहा हूँ? अरे वो पास में एक नया मॉल खुला है ना। हाँ। मैंने सुना है कि वहाँ घर का सामान बहुत सस्ते दामों पे मिलता है, तो बस इसलिए आई थी। ये सोने के कंगन? अरे ये तो नकली है, इसके लिए कोई बचत बचत की कोई जरूरत नहीं होती है। सर आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है तुम बैठो, मैं आता हूँ। हाँ। आज ही मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर आया है कि हमें ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉई का चुनाव करना है। ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाला दूसरा तो कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। लोगों में से प्रमोद सतपुते कौन है? जी मैं हूं। क्यों? हम लोग इंटरनल इंक्वायरी टीम से, एक आरटीआई फाइल हुआ है शारदा बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर, और इस आरटीआई के मुताबिक शारदा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को आपके ऑफिस से प्रमोद सतपुते ने अप्रूवल दिया। हाँ? पर मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शारदा बिल्डर्स एक फ्रॉड कंपनी है। आपका कैबिन कहाँ है? जी चलिए बताइए। ये तो मेरी वाइफ है। शिल्पा तुम घर जाओ, मैं शाम को आता हूं। हाँ। रुकिए। सर पर ये तो मुझे सिर्फ मिलने आई थी। इनके पर्स की तलाशी लेनी होगी। इस कमरे से अभी कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी बिना तलाशी। लाइए। वो मेरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। अब जा सकती है। सर मैं अभी भी कह रहा हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर कुछ नहीं किया है तो ये क्या है? किसके साइन है ये? आप ही क्या है ना? ये तो मेरे साइन है सर, लेकिन ये यहां पे सर मैं ये तुमने क्या किया प्रमोद? तुम तो जानते हो ना ये कंपनी फ्रॉड है, फिर तुमने इस कंपनी के प्रोजेक्ट को अप्रूव क्यों किया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। ये समझ में कैसे आएगा? पैसे आंखों पे पड़ गए थे ना, आंखें खुली नहीं तुम्हारी। बताओ कितने पैसे लिए? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने आज तक एक रुपए की भी रिश्वत अपनी जिंदगी में नहीं ली है सर। ये जरूर
मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है सर। इंक्वायरी बैठेगी आप पे। आप सर केबिन में ना ही कोई फाइल मिली है ना ही कोई केस मिला है। अभी सबूत नहीं मिला है लेकिन इंक्वायरी जारी रहेगी। चलिए कैसे आएगा, पैसे आंखों पे पड़ गए थे ना, आंखें खुली नहीं तुम्हारी। बताओ कितने पैसे लिए? सबसे ज्यादा तो प्रमोद आज मैं शिवलिंग का हूं। मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। तुमने चंद रुपयों की खातिर ये भी नहीं सोचा कि इस सब का तुम्हारी बीवी पर, तुम्हारे बच्चे पर, उनके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। आने में बहुत देर कर दी। सब ठीक तो है ना? क्या कर रहे थे वो लोग? मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। क्या सोच रहे हो? आज काम बहुत। प्रमोद बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं, पूछने पे कुछ बता ही नहीं रहे। तुम्हें पता है ऑफिस में क्या हुआ था? सब कुछ ठीक तो है ना? आप बिल्कुल घबराइए मत भाभी जी, आप जानती नहीं हो मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर भैया जी को कुछ हुआ ना तो मैं किस दिन के लिए बैठा हूँ? थैंक यू राजा। देखिए भाभी जी, जब तक बड़े भैया अपने ओहदे पर है ना, उनका साइन करने का राइट कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप सपना कंस्ट्रक्शन की फाइल पर उनकी साइन करवा लीजिए बस। अरे साइन तो मैं करवा ही लूंगी। ठीक है शिल्पा, शिल्पा देखो ना यशु को रूम में, वो कुछ कह रहा है। हाँ ठीक है जाती हूँ। यशु बेटा यशु तो अंदर सो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें उसकी आवाज सुनने का भ्रम हुआ होगा। और अब तुम भी बस करो, बहुत रात हो चुकी है। आज मुझे ये काम खत्म करना ही होगा। ये लो पहले दूध पी लो। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है तुम्हें काम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अब एक काम करो, तुम आराम कर लो। अरे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ लूंगी, तुम साइन कर लेना। ठीक है चलो। हाँ। चलो चलो चलो। थैंक यू शिल्पा। हाँ चलो। We'll be right back.
ये सरस्वती कंस्ट्रक्शंस की फाइल इस पे भी कर दो। या दूध में नीम की दवा मिलाकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सपना कंस्ट्रक्शन को सरस्वती कंस्ट्रक्शन में बदल दोगे। मैंने तुम्हें राजा के साथ बात करते हुए किचन में सुन लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें यश के कमरे में भेजा ताकि मैं रसोई में जाकर दूध बदल सकूं। इस फाइल पर साइन कराने के लिए राजा ने कितने पैसे दिए तुम्हें? नया टीवी, नई कार, ये सोने के कंगन, सोने के ही है नहीं? उस दिन जो तुमने यश के स्कूल से आए हुए पेपर्स पर साइन करवाया, तुमने उस दिन मुझसे शारदा कंस्ट्रक्शन के पेपर्स पर साइन करवाया। बहुत ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है, अपने लिए थोड़े किया है। अरे मेरे लिए? अरे तुम मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाई होगी। मैं सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ, ऐसे बेईमानों की तरह रात रात भर जागकर नहीं। लेकिन तुमने जो ये किया है उसके लिए तुम तो जेल जाओगी जाओगी, पर अगर मुझे भी जेल जाना पड़ा तो मैं भी जेल जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं बचो। प्रमोद आप पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी बीवी को जेल भेजोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हारे इस लालच की वजह से मेरी तो नौकरी जाएगी, लेकिन तुम और तुम्हारे बेटे का भविष्य अब वो भी अंधकार में। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक आखिरी मौका दे सकता हूं। जो कुछ गड़बड़ी तुमने की है ना, तुम्हें ही ठीक करनी। अरे नहीं देवर जी, मेरी बात तो सुनो। अरे इस बार तो मैंने ऐसा इंतजाम किया था कि प्रमोद तो साइन कर ही देता, लेकिन इतने प्रेशर में प्रमोद और भी अलर्ट हो गए। ओहो, फिर ये तो गड़बड़ हो गई भाभी जी। नहीं, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं है। अब वैसे भी जब तक ये ऑफिस की खटपट चल रही है ना, तब तक हम लोग इंतजार कर लेते, उसके बाद कहा जाएगा। रहना तो मेरे साथ ही है। अरे भाभी जी आप रहने दीजिए, आप बस मेरे 25 लाख रुपए जल्दी से जल्दी वापस कर दीजिए। अरे देवर जी आप तो बेकार का हड़बड़ा रहे। क्योंकि भाभी जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं धंधे वाला आदमी हूँ भाभी जी। मम्मी स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी लेके चल। मेरा बेटा क्या हुआ? यश कहाँ है? यश मेरे बेटे, अरे कौन ले गया मेरे बेटे को? कौन ले गया उसे? जा रही थी मेरा। हेलो, अरे बड़े भैया पहुंच गए घर। अरे मेरे भतीजे यानी आपके बेटे के बारे में तो पता चल गया होगा आपको। कहाँ है मेरा बेटा? कितना हिम्मत बड़े भैया, आपका बेटा मेरे पास। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भैया, एक कागज पे साइन करने के लिए मैंने आपकी पत्नी को 25 लाख रुपए दिए। अब क्या है कि या तो दो दिन के अंदर आप वो 25 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, या फिर उस कागज पे साइन कर दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए। और बड़े भैया पुलिस के पास जाने की कोशिश मत कीजिए यार। कि आपका बेटा बड़ा क्यूट है। आपकी एक गलती की वजह से आप बेटे से हाथ धो बैठोगे। समझे? अरे लेकिन सुनो, किसका फोन था? कौन था वो राजा? उठा ले गया वो उसे। क्या क्या बोल रहा था वो? तो वो कह रहा था कि या तो वो 25 लाख रुपए जो तुमने उससे लिए हैं वो उसे दो दिन में लौटा दूं, या फिर उन पेपर पर साइन कर दूं मैं। मैं 25 लाख नहीं वापस कर सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि वो कर्ज हो गए। कर्ज हो गए? 25 लाख रुपए कर्ज हो गए?
देने 6 महीने के लिए 10% ब्याज पर। अब 6 महीने बाद ही वो आ सकते हैं। अब एक ही रास्ता है हमारे पास, उन पेपर्स पे साइन कर दो प्लीज। मेरा बेटा यस। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। वो तेरे 6 महीने के लिए 10% ब्याज पर दिए। अरे नहीं बाबा, यशु से मेरी बात मत करवाओ। अगर यशु को पता चल गया तो समझो कि प्रमोद को भी पता चल जाएगा। उसे बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब उसकी मम्मी ने करवाया। लेकिन भाभी जी, वो बच्चा बहुत रो रहा है। बच्चा रोएगा ही, थोड़ा बहलाओ पुसलाओ, चॉकलेट दो उसे। यहाँ तो मैंने ऐसा समा बांध के रखा है कि इस बार तो प्रमोद को साइन करना ही पड़ेगा। अंदर से पूरा तोड़ के रख दिया है मैंने प्रमोद को। चलो यहाँ का अपडेट मैं आपको बाद में देती हूँ। वो प्रमोद अब सच में तुम अपने आप को माँ कहती हो? 25 लाख रुपए के लिए तुमने अपने बेटे की जान को दांव पे लगा दिया। प्रमोद देखो, मैं भी अपने बेटे से प्यार करती हूँ, उसे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। तुम उस पेपर पे साइन कर दो प्लीज। अरे लालच, लालच तुम्हारे स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। बच्चा मिल गया, बच्चा यही है। उठा, दूर रहो। अरे वो मेरा भी बेटा है। दूर हटो, मेरे बेटे को छूने का अधिकार तुम खो चुकी हो। अच्छा रहन सहन हो, सारी सुविधाएं हो, ढेर सारे पैसे हो, कौन नहीं चाहता? और इस चाहत में कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अपनी चाहत पूरा करने के लिए आप क्या रास्ता चुनते हैं, इससे तय होता है चाहत सही थी या गलत। प्रमोद भी अपने घर परिवार और बच्चों के लिए एक खुशहाल जिंदगी चाहता था, लेकिन सही रास्ते पर चलकर। शिल्पा ने ना सिर्फ गलत रास्ता चुना, बल्कि अपने लालच में वो हैवान ही बन गई। इस दलदल में ऐसी धसी कि अपने ही बेटे का अपहरण करवाने से भी नहीं हिचकी। सही गलत का विवेक ही खो दिया उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिश्वत के 25 लाख रुपए वापस नहीं करना चाहती थी। सलाम करते हैं प्रमोद को, जिसने विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने उसूल, अपने आदर्श नहीं छोड़े और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो बेहद दुर्लभ है। शिल्पा और राजा को कानूनन सजा मिल गई, लेकिन हमारे सोचने की बात यह है कि शिल्पा को हासिल क्या हुआ? न टीवी, न कंगन, न कार, न 25 लाख रुपए और ना ही परिवार। अपने लालच और पैसों की भूख में शिल्पा ने शॉर्टकट अपनाया, लेकिन जिंदगी में शॉर्टकट होते ही नहीं है। मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे, तभी रात को सुकून से सो पाएंगे। भ्रष्टाचारी लोग दूसरों का हक मारकर पैसे लूटते हैं, और अपनी इस लूट में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कानून नाम की भी कोई चीज है। और एक बात और, ऐसे लोगों पर एक ना एक दिन नियति का वार भी जरूर होता है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।